हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अकेलास किचन। कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ठीक होंगे। रमज़ान के बाद की ये हमारी पहली रेसिपी है। रमज़ान के बाद हमने कोई रेसिपी डाली नहीं थी ईद के बाद फ्रेंड्स। उसका रीज़न एक्चुअली ये था, मेरी दादी का इंतकाल हो गया था फ्रेंड्स। आप उनके लिए ज़रूर दुआ करना, उन्हें अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे फ्रेंड्स। इसके लिए हमने वीडियो इतना दिन नहीं डाला था फ्रेंड्स, इसलिए ईद का वीडियो भी आपको हमारा नहीं मिल पाया, उसके लिए रियली सॉरी फ्रेंड्स। ईद के बाद की हमारी ये पहली रेसिपी है जिसमें हम बना रहे हैं बाम मच्छी। इस चलिए फ्रेंड्स, पहले हम क्या करेंगे, मालवनी जो मसाला है वो हम पिस कर लेंगे, जो हमें ग्रेवी में डालना है। चलिए फ्रेंड्स, ये हमने आधी बाटी जितना खोपरा लिया, ये हमने सूखा वाला खोपरा लिया है। हम ऐसे बहुत टाइम रेसिपी में हम गीला नारियल यूज करते हैं, पर इस बार मम्मी बोले कि हम सूखे नारियल से बनाते हैं। दो मीडियम साइज की प्याज है जिसे हमने स्लाइस में कट कर लिया है, और इसमें सब हम डालेंगे। दो बड़े इंच के अदरक के टुकड़े डालना, लहसुन की एक पूरी कलियां डालनी, इसी से टेस्ट और फ्लेवर आने वाला है फ्रेंड्स, तो ये आप भरपूर डालना। और हरा धनिया है फ्रेश, और ग्रीन चिलीज है, ये हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना। अगर आप थोड़ा कम तीखा खाते होंगे तो आप कम भी कर सकते हो, पर तीखा जितना अच्छा रहा उतना अच्छा लगता है फ्रेंड्स। खड़े गर्म मसाले के बिना तो मसाला अधूरा है, तो इससे ही टेस्ट आता है फ्रेंड्स। तो आप खड़े गर्म मसाले जरूर से डालना सालन में, मच्छी के सालन में, कोई भी सालन में आपको डालना फ्रेंड्स, ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये हमने आधा चम्मच इसमें लिया है जीरा, चार से पांच है लौंग, एक चम्मच लिया है अक्का धनिया, दालचीनी है दो इंच के टुकड़े, बादियाना है, ये हमने तिलफड़ा लिया है, तिल लिया है। अगर ये इजीली मार्केट में मिल जाता है तो आप इसे जरूर डालना, इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। दो हरी इलायची लिए, चार से पांच काली मिरी ली है, और हमने इसमें आधा चम्मच सौंफ लिया है। आप ये जरूर से डालना, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। चलिए फ्रेंड्स, पहले मसाला रेडी करते हैं। फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाह बोल के स्टार्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करना है हमें सारे के जो हमारे खड़े गरम मसाले हैं। आप इस तरीके से करके देखना फ्रेंड्स, आपको मच्छी के सालन में एक अलग सा ही टेस्ट आ जाएगा फ्रेंड्स। हल्का सा ही इसे थोड़ा सा हमें रोस्ट करना है। चलिए फ्रेंड्स, देखिए हम इसे निकाल देंगे। माशाल्लाह खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है धनिए की उसकी। चलिए फ्रेंड्स, ये हम डाल देंगे इसमें सूखा खोपरा, इसे भी हमें हल्का हल्का रोस्ट करना है, एकदम डार्क कलर भी इसका नहीं करना है, इसे भी अच्छी तरीके से हम रोस्ट करके ले लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इतना इसका कलर परफेक्ट है, इसे भी हम निकाल देंगे। चलिए फ्रेंड्स, दो मीडियम साइज की प्याज डाल देंगे, और थोड़ा हल्का सा इसमें तेल डालेंगे, थोड़ा सा तेल डाल देंगे फ्रेंड्स। इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे, इसमें थोड़ा हल्का सा रोस्ट करके ले लेंगे फ्रेंड्स। खोपरा और गरम मसाले को हम साइड बाय साइड हम उसको अच्छे से ग्राइंड करके ले, एकदम बारीक करना है हमें। देखिए इस तरीके से हमें इसका फाइन सा पाउडर बनाना है। इसमें हम ये अदरक लहसुन कोथमीर ये सब डाल देंगे, और फ्रेश हरा धनिया भी हम डाल देंगे। फ्रेश हरे धनिया से टेस्ट भी अच्छा आता है और कलर भी अच्छा आता है फ्रेंड्स। चलिए वो भी हम डाल देंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम पानी ऐड कर देंगे थोड़ा सा, हमारा मसाला हमने हल्का थोड़ा बारीक कर लिया है, उसमें ऐड कर देंगे प्याज हरी मिर्ची जो हमने ड्राई रोस्ट कर लिया था। फिर इसमें ऐड कर देंगे हम इमली, थोड़ी सी हम इमली लेना है, एकदम बारीक सा पेस्ट बनाकर ले लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखिए हमारा मसाला पिसकर हो चुका है, अभी हम मच्छी को मैरिनेशन करेंगे फ्रेंड्स। सालन में हम जो मच्छी मैरिनेशन कर डालेंगे फ्रेंड्स, आधा चम्मच हम उसमें ऐड कर देंगे नमक, हम ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, आधा नींबू हमें इसमें निचोड़ना है फ्रेंड्स फ्रेश, और इसे हम साइड में मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अच्छी तरीके से हाथों से इसे मिक्स करना। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा मच्छी जो हम ग्रेवी बना रहे मालवनी उसकी ये मैरिनेशन रेडी है। मालवनी फिश फ्राई बनाएंगे, उसमें हमने ये सब, यही हमारी पूरी 750 ग्राम जितनी बाम मच्छी है फ्रेंड्स, इसे भी हम पहले मैरिनेशन करके रखेंगे। आधा चम्मच इसमें ऐड कर देंगे नमक, और आधा नींबू हमें इसमें निचोड़ना है फ्रेंड्स। चलिए देखिए नींबू में कितना जूस है। ठंडियों के टाइम पे ना नींबू ना काफी क्वांटिटी में मतलब अच्छे भी मिलते हैं, तो आप ना नींबू का जूस ऐसा ना निकाल कर फ्रिज में रख देना फ्रेंड्स, वो खराब नहीं होता है। तो जैसे गर्मी का टाइम आता है तो नींबू बहुत ही ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। और इसमें हम आधा चम्मच ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, जो हमने मालवानी फिश मसाले का मसाला तैयार करके रखा था वो एक चम्मच हम ऐड कर देंगे फ्रेंड्स।
ऐसे सब मसाले लगाने से ना मच्छी का जो टेस्ट वो इतना अच्छा आता है फ्रेंड्स, आप जरूर ट्राई करना। जैसे आपने हमारे वीडियो में देखा ही होगा हम लोग ऐसे करते ही है, तो आप लोग जरूर बनाना, तो आपको जरूर अच्छी लगेगी फ्रेंड्स। और इसमें अदरक डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच। मच्छी की ग्रेवी में या आप फ्राई बना रहे हो तो आप उसमें अच्छे भरपूर अदरक लहसुन यूज करना, नमक, ये नींबू अच्छे से यूज कर। और इसमें हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डालना है ये भी। चलिए फ्रेंड्स, आधा चम्मच जितना हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, काली मिरी पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच, लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच, या आपकी तीखी के हिसाब से आप कम ज़्यादा इसमें एडजस्ट कर सकते हो। और बिस्मिल्लाह बोल के हम अच्छी तरीके से सारे फिश पे आप इसे मसाला लगाकर इसे साइड में रख देना, जब तक हमारा सालन बन रहा है, तो जब तक ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाता है फ्रेंड्स, और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आ जाता है। जितना मसाला ये फिश के अंदर रहता है ना, उतना अच्छा लगता है फ्रेंड्स, मुड़ता है। देखिए मम्मी ने इस तरीके से इसे लगा दिया। चलिए फ्रेंड्स, देखिए मम्मी ने इसे अच्छी तरीके से मैरिनेट कर दिया है, सारे फिश पे अच्छी तरीके से मसाले लग गए। अभी हम इसे साइड में रख देंगे और हमारी मालवनी ग्रेवी बनाएंगे फिश की। चलो अभी स्टार्ट कर देते हैं हम। बिस्मिल्लाह बोल के, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने कढ़ाई रख दी है, तेल भी डालेंगे 2-3 चम्मच, ज़्यादा ही डालना है, मच्छी को तेल ज़्यादा ही लगता है। मच्छी और चिकन या गोश्त हो उसमें तेल ज़्यादा ही लगता है। चलो अभी हम बिस्मिल्लाह बोल के राई डाल देंगे। राई हमारी चटक गई, फिर हम इसमें थोड़ी सी मेथी दाना और जीरा है, ये दोनों भी मिक्स करके हम डाल देंगे। ये थोड़ा चटक गया तो फिर हमारे ये कड़ी पत्ता है, ये भी डाल देंगे। इसमें ये चटक गया हमारा, अभी ये हम एक पैन डालेंगे, बारीक चॉप करेंगे। देखो हमारे सब अच्छे से चटक गया। अभी ये प्याज भी हम थोड़ी सी हल्की सी गुलाबी करेंगे, फिर हमारा पिसा हुआ मसाला डाल देंगे। माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही, बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। ये इस तरह से तड़का आप लोगों ने ज़रूर देना, ग्रेवी को बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। देखो हल्का सा हमारा थोड़ा सा हो गया था, ज़्यादा लाल नहीं करना है। अभी हम पिसा हुआ मसाला डाल देंगे इसमें। चलो अभी इसमें हम मसाला डाल देंगे पिसा हुआ, जो हमने टुकड़ा पीस के रखे थे खड़े मसाले हमारे, इसके अंदर वो सब डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करके लेना है। मसाले को अच्छे से भून के लेना है। मसाले अच्छा भुना ना तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है ग्रेवी में, सालन में। इसको अच्छा भून के लेंगे हम पहले 10 मिनट तक, इससे तेल छूटे तक। देखो माशाल्लाह हमारा तेल छूट गया इसमें, जब हमारे मसाले हैं वो डाल देंगे अभी इसमें। मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब मिक्स करके डालेंगे। थोड़ा सा हमारे 2 मिनट इसको हम पका के लेंगे, भून के लेंगे मसाले को। माशाल्लाह बड़ी खुशबू अच्छी आ रही है। इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे हम, देखिए कितना अच्छा तेल छूट गया हमारे इसको मसाले को। 1 चम्मच हम मिर्ची पाउडर डालेंगे हमारे टेस्ट के हिसाब से। ये धनिया पाउडर डाल देंगे 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर डाल देंगे 1/2 चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे, मसाले हमें भून के लेना है अच्छे से। मिक्स करके ले लेंगे अच्छे से इसमें, और जो ये हमने टमाटर पीस के रखे 2, ये भी डाल देंगे। अच्छे से हम मसाला भूनने देंगे उसको, 5 मिनट अच्छे से मसाला भून के ले लेंगे, फिर हम इसमें फिश डालेंगे। देखिए ये फिश करी है, मालवनी फिश करी, कोल्हापुरी है ये, स्पेशल है ये, एक नया मसाला आया है, ताकि मैं इसको जरा ट्राई करके देखती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ कि ये मसाला अच्छा है या नहीं है करी के लिए, ये इस्तेमाल करके देखती हूँ। जहाँ से मैंने फिश ली वो फिश वाले के पास ही ये मसाला था, करके मैं भी ये 1 चम्मच डाल रही हूँ।
अच्छे से मिक्स करके लेंगे। देखिए कैसे इसका टेस्ट अच्छा आता है। वैसे तो मैंने सब मालवनी मसाला गरम मसाले वही डाली है, देखते हैं ये कैसा लगता है। ये 2-3 चम्मच हम दही डाल देंगे, फेंट के डाले हमने, स्लो गैस में इसको डालना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। उसको अच्छे से मिक्स करना है, धीमे आँच में ही रखना है, तो इसमें ये फट जाएगा नहीं क्या दही। दही को, दही डाले को स्लो गैस में ही डाल के पकाना है। चलिए मच्छी के हम पीसेस डाल देंगे। देखो ग्रेवी को कितना अच्छा तेल छूट गया हमारा। जितने अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई करोगे तो आपको रिजल्ट उतना ही अच्छा मिलेगा। फ्रेंड्स सब पीसेस हमने डाल दिए और ऐसे ही इसे थोड़ा 5 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। चलो अभी हम मिक्स कर देंगे ये मच्छी को हम ग्रेवी में मसाले में, और फिर पानी डालेंगे और नमक भी डालेंगे। नमक भी हमने डाली नहीं इसमें। देखिए मसाले कितना अच्छा कलर आ गया इसको हमारे मसाले को। चलो अभी इसमें हम पानी डाल देंगे जितनी हमको ग्रेवी लगती होती, 1 ग्लास डाल दी मैंने, थोड़ा सा 1/2 ग्लास डालेंगे और इसमें नमक डाल देंगे। इसमें नमक डाल देंगे हम टेस्ट के हिसाब से। चलो अभी इसको हम मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। तो 5 मिनट के हम ये कोकम डाल देंगे, दो ही डालेंगे क्योंकि इमली भी डाली हमने, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आपके पास कोकम नहीं होएगा तो इमली से भी चलेगा आप लोग। मेरे पास कोकम है करके मैंने कोकम भी डाली। 5 मिनट हो गए, हम उसको थोड़ा हल्के हाथ से ही घुमाना क्योंकि मच्छी की हमारे ना टुकड़े हो जाते हैं, मिक्स हो जाता पूरा ग्रेवी में ना, खुल जाती है मच्छी। इसे हल्के हाथ से ही हिलाना है उसे। देखिए कितना थिक लग रही है ग्रेवी, मैं आपको जिसे चम्मच से बता। देखो हमारी ग्रेवी ये तैयार हो गई है, मच्छी भी हमारी अच्छे से गल चुकी है भी। देखो और बहुत थिक भी नहीं है, बहुत पतला भी नहीं है, मीडियम ही है ग्रेवी। ये देखिए आपको नज़र आ रही होगी इस तरह से। कलर भी देखिए कितना माशाल्लाह है। इसमें अभी हम हरा धनिया काट के डाल देंगे। ये देखिए ये इसमें हम हरा धनिया भी डाल देंगे काट के, और गैस बंद कर देंगे और फिश फ्राई करके ले लीजिए। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, और तर्री भी देखो माशाल्लाह कितनी छुटी हुई है हमारी। हमने ज़्यादा तेल भी नहीं डाले, 2 चम्मच ही, ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं। अपने मच्छी में भी बहुत चिकनापन रहता है, उससे अच्छी तरी छूट जाती है। चलो बिस्मिल्लाह बोल के हम फिश फ्राई करेंगे, तेल डाल देंगे थोड़ा सा ज़्यादा ही। देखो इस साइड में चालू करना भूल गई थी मैं, ये देखिए इस तरह से रखना है साइड में आने की। 1-2 सेकेंड ऐसे ही पकने देंगे, फिर पलटी करेंगे। चलो अभी इसको हम पलटी करेंगे। सब मच्छी को हम पलटी कर देंगे। देखो हमने पूरे मच्छी फ्राई पलटी कर दिए। इसको और 10 मिनट तक इसको स्लो गैस पे पकने देना है। चलो अभी हम फिश पलटी करेंगे और थोड़ा सा सब तरफ से इसको अच्छे से फ्राई करके लेना है। देखिए माशाल्लाह खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है इस तरह। इसको हर 5 मिनट इस साइड से भी पकने देंगे। चलिए फ्रेंड्स देखिए हमारी मालवानी फिश करी और फ्राई रेडी है। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनी थी। आप इसे चावल, बाजरे, जवारी की रोटी, घी की रोटी के साथ आप इंजॉय कर सकते हो। फ्रेंड्स आपके सपोर्ट के लिए बहुत ही दिल से ज़्यादा शुक्रिया, और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहना फ्रेंड्स, और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए अकीलास किचन को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट।